Yeah, am I talking with Nikhil? Yes, you are. Is this a good time to talk, Nikhil? Who's speaking? I'm Ryan. I'm calling from the high school. Can you call a little bit later? I'm busy right now. No, I'm afraid, Nikhil, that won't be possible. Your son, Aditya, is here with us, and he's kind of worried. So you'll have to kind of talk with him. Is there any problem? Yes, he desperately wants to talk to you. Please, please have a word with him. Can you please put him online, please? Yeah, sure. Can you call the boy? Hello? Aditya, hello? Hello, anyone there? Hello? Hello? Can you please put Aditya online? Hello? Hello? Yeah, yeah. Why are you not putting Aditya online? Yeah, we're just doing that. Just a sec, just hold on. Can you please bring the boy in? It's gonna take some time. Why is it taking so much time? Just hold on, just be a bit patient. We're just gonna get him in. Please bring my boy online, please. Just a second, please be patient. Are you mad? I'm going crazy over here, and you're telling me to have patience. Bring my boy online. I have not yet heard his voice. Come on, bring the boy online. So, 2.5 minutes ho gaye aapko bete ki awaaz nahi suni aapne. Kab se hold kar rahe hain? 2.5 minutes ho gaye aapko. Hello, who's this? कोशिश करता हूँ कि 4 मिनट में उनकी आवाज़ यहाँ तक आ जाए। कौन बोल रहे हैं? निखिल, I'm so sorry, I'm calling from India. मैं आपके बेटे के स्कूल से नहीं बोल रहा हूँ। कौन हो आप? निखिल, this is RJ Naved. I'm calling from Radio Mirchi Delhi. जरूरी ये नहीं है अभी कि आप अपने बेटे की आवाज़ सुने, जरूरी ये है कि जिस आवाज़ को आपने 3 साल से नहीं सुना वो सुन लीजिए। विश्वेंद्र प्रसाद जी, बात करिए अपने बेटे से। हेलो डैडी। हेलो बेटा, आप ठीक हो? डैडी, आप बोल रहे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ बेटा, मैं बहुत दिन से तुम लोगों से बात करने का दिल कर रहा था और कई बार फोन भी लगाया, लेकिन शायद तुम लोग बिजी हो गए इसलिए फोन नहीं उठाया। तुम सब लोग ठीक हो ना? निखिल, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ यही फिक्र रहती थी आपके डैडी को कि तुम ठीक हो। निखिल, जरा सोचो, 2.5 मिनट सिर्फ होल्ड करवाया था मैंने और अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी थी तुमने, कितना कितना परेशान सा हो गए थे तुम। 3 साल से बात नहीं कर पाए तुम्हारे डैडी तुमसे, और ये तुम्हारे डैडी ने नहीं बताया था मुझे, इनके एक दोस्त हैं क्योंकि बुढ़ापे में ये यहाँ दिल्ली रह रहे हैं। निखिल, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने कोई गलती करी, हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन जिसकी वजह से आज तुम बिजी हो ना, जिसकी वजह से आज तुम काम कर पा रहे हो, उसको 3 साल तक फोन ना करना, ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। और निखिल, मुझे तो हैरत इस बात की है कि तुम्हें तो मालूम है तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी और तुम्हारे फादर ही अकेले हैं दुनिया में। हमेशा याद करते हैं निखिल तुम्हें, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं, और ये बता रहे थे कि ये अकेले कमरे में रहते हैं और इतना तन्हा समझते हैं अपने आप को कि कभी कभी अपने आप से बात कर लेते हैं। निखिल, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊं कि तुम नालायक लड़के हो, लेकिन ये है कि निखिल, तुम लायक लड़के नहीं हो अगर 3 साल में अपने बाप से बात नहीं कर सकते। जिस इंसान की वजह से तुम US में अपनी फैमिली सेट कर सकते हो, उसको वो बिजी होगा, आप उसे मत बोलिए। निखिल बेटा, आप ठीक तो हो ना? आप बिल्कुल मेरी फिक्र मत करना। निखिल बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे डैडी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब तुम US जा रहे थे तो टैक्सी के पैसे नहीं थे कि एयरपोर्ट तक जा सको। किस तरह इस इंसान ने पैसे जमा करके तुम्हें US भेजा और वहां जाके इतना लायक कर दिया कि तुम यहां शादी करो फिर दोबारा फैमिली ले जाओ। कोई मेरे ख्याल से दुनियावी तौर पर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन यार निखिल अगर ये होता कि इनकी वाइफ होती इनके साथ तो भी मैं मान लेता यार। जरा सा सोचो तो सही, ये बिल्कुल तन्हा रहते हैं दिल्ली में, बिल्कुल तन्हा, और ज़ईफ़ इंसान हैं जिनकी बहुत। निखिल, मैंने तो इसलिए फोन किया कि तुम्हारी आवाज सुनने का दिल कर रहा था। बहुत दिन हो गए थे बेटा, 3 साल हो गए बेटा। ये मेरा मकसद कभी नहीं होता निखिल कि मैं किसी को परेशान करूं, लेकिन आज तुम्हें इतनी दूर कॉल करना और इनकी परेशानी देखना मुझसे रहा नहीं गया, और मैं सोच रहा था कि कम से कम बात तो करवा दूं तुम्हारी। इसमें तुम मायूस मत हो, और इन्होंने कॉल, इनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि तुमसे पैसे चाहिए इनको, या ये चाहते हैं तुम्हारे पास आना, सिर्फ ये चाहते थे कि मेरा बेटा ठीक है, मेरे बेटे की मैं आवाज़ सुन लूँ। जरा सोचो यार, एक बार फिर सोचो, 2.5 मिनट होल्ड किया तुमने, 2.5 मिनट अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए, क्या हाल हो गया था? 3 साल से इंतजार कर रहे हैं ये तुम्हारे फोन का। हाँ बेटा,
पापा मैं 15 दिन में आ रहा हूँ पापा, आई एम कमिंग, मुझसे गलती हो गई पापा, आई लव यू पापा। रोते नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है तुमसे, तुम सभी आना जब तुम्हारा नुकसान कोई ना हो। अच्छा मेरे बेटे निखिल, बस बस रोना नहीं है। अच्छा बेटा वो गाना सुनोगे जो मैं तुम्हें बचपन में सुनाता था? यस पापा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। I love you papa. I'm coming to see you. God bless you. आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ आप आ जाइए, 2-3 दिन के लिए आइए और फिर चले जाइए, और वो हमेशा दुआओं में याद रखेंगे आपकी, आप खूब तरक्की करें। हाँ you take care and I'm so sorry निखिल अगर आपको बुरा लगा इतना सभी। हाँ thank you, thanks a lot. मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे